सागर जिले के मालथौन क्षेत्र के हनुमत पहाड़ी ग्राम में भतीजे ने अपने ही चाचा की जान ले ली। बताया गया कि चाचा भतीजे में पुरानी रंजिश और गाने बजाने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बड़ा कि भतीजे ने चाचा के सिर पर धारदार हथियार से वार कर दिया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मौके पर बांद्री पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले को जांच में लिया है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। कल तकरीबन 10 बजे की बात पुलिस को ऐसी सूचना मिली, जिन्हें चौकी अंतर्गत हनुमत पहाड़ी यहाँ पे एक विवाद हो गया था। विवाद होने पर से दो पक्षों में लड़ाई होने से जो चोटें आई थी विजय पिता राम गुलाम यादव को, उसको अस्पताल लेते जाते समय उसकी मृत्यु हो गई, जो चोट आई थी उसके कारण से। प्रथम दृष्टिया जो सूचना संकलन करी और कार्यवाही करी, उसमें ये पाया गया कि ये जो विजय सन ऑफ राम गोपाल है ये, और आरोपी जो कन्हैया है, ये रिश्ते से चाचा भतीजे लगते हैं और आसपास इनके खेत लगे हुए हैं। जो विवाद का कारण था ये बताया गया, ये पता चला है कि जो कन्हैया है अपने जो काम करने वालों के साथ में खाना बना रहा था और कुछ गाने बजा रहा था, तो इस गाने बजाने के विवाद पर से पहले कहा सुनी हुई लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें आवेश में आके कन्हैया ने धारदार हथियार से उसके सिर पे हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। सर, आरोपी पकड़ेगा कि नहीं? आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।